नमस्कार, हमारे साथ हैं फिल्म डायरेक्टर अंकुल वर्मा जी। आई जानते हैं नए सब्जेक्ट के ऊपर वो डेंजरस मूवी बनाएं, क्या कुछ है सर? आपको बहुत बहुत स्वागत है। जो आपने डेंजरस मूवी बनाई है, क्या कुछ सब्जेक्ट है? हाँ, see my main point is why I want to make dangerous is see this whole thing issue like sexual orientation jo hoti hai logon it like some people because natural wiring heterosexual person in shock to see how can this happen or but once this is like a criminal act at a certain time, when one Supreme Court had repealed it, then I think automatically it became better in the context. So that is the reason I made the film. भारतीय समाज में क्या ऐसे लेस्बियन को स्वीकार किया जा सकता है? मैं वही बोल रहा हूँ, सी स्वीकार किया जाता है नहीं, मैं वो तो हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंड होती है, यू नो। लेकिन इसलिए कि कुछ लोग उसको एक नॉर्मल सोचते हैं, इसलिए कि उनका अपनी जो जब भगवान या नेचर उनको बनाए कि उसके जो फीलिंग्स है वो नेचुरली कुछ लोग ऐसा होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। लेकिन अब इनफ लोग है और वो अपने अपन को अपन उनके फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको हमको जजमेंट नहीं करना चाहिए। जी, यही पॉइंट है। अगले कोई खास प्रोजेक्ट हो जिस पर अभी खास प्रोजेक्ट मैं तो अभी स्क्रिप्ट चल रहा है, मैंने कभी नाम नहीं दिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। या दोस्तों, तो ये थे डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा जी, जो खास रूप से अपनी मूवी डेंजरस के बारे में बता रहे थे। ये नए तरह की स्टोरी है जिसको लेकर काफी कुछ उत्साहित है। नमस्कार। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।